सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन अनदर कॉन्सेप्ट, ओके, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एंसेस्टर, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, ओके। सो इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ओके, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द वीडियो। सो लेट्स सी। सो अगर इसके हम लोग डिफिनेशन की बात करें कि एंसेस्टर होता क्या है, ओके, सो एंसेस्टर अगर रियल लाइफ में इसका डिफिनेशन की बात करें, तो अगर कोई दो चीज़ें हैं, ठीक है, लेट्स से अगर कोई चीज़ें एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, तो अगर हम बात करें कि उसका एंसेस्टर क्या होगा, इसका मतलब कि जो चीज़ की एंसेस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो कि वो चीज़ें किस कहाँ से ऑप्टेन किया गया है, समझ में आ रहा है, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, समझ में आ रहा है। लेट्स से अगर हम रियल लाइफ वर्ल्ड की बात करें, तो लेट्स से एक बॉय है B1, ठीक है, और एक बॉय है B2, ठीक है, तो ये दोनों जो बॉय हैं, इनका एंसेस्टर क्या होगा, इनका एंसेस्टर होगा इनके फादर या मदर, समझ में आ रहा है। सो इन दोनों बॉय के जो एंसेस्टर होंगे फादर होंगे, ठीक है, अब ये फादर है, ठीक है, तो इसके एंसेस्टर क्या होंगे, इनके एंसेस्टर होंगे इनके फादर, समझ में आ रहा है, मतलब कि हमारे दादाजी, समझ में आ रहा है। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है कि इन द वन विच इज़ डिसेंडेड, ओके, मतलब कि अगर हम B1 की एंसेस्टर की बात करें, तो ये किस चीज़ से ऑप्टेन हुआ है, मतलब किससे हो रहा है, हमारे फादर से, समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये B1 और B2 का कॉमन एंसेस्टर जो है वो हमारे फादर है, समझ में आ रहा है। सो ये हुआ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं अपने बाइनरी ट्री में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, ओके, सो लेट्स डिस्कस। सो बाइनरी ट्री में क्या होता है, अगर कोई दो नोड दिया हुआ है, सो अपने बाइनरी ट्री में क्या होता है, बाइनरी ट्री में कुछ ऐसा ही हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई दो नोड का एंसेस्टर बताना है, कॉमन एंसेस्टर, लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ N1 एंड N2, लेट से मैंने एग्जांपल लिया N1 एंड N2, ओके। सो ये दोनों नोड का हमारा कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, मतलब कि ये दोनों नोड नियरेस्ट किस नोड से ऑप्टेन किए गए हैं, समझ में आ रहा है। सो ये दोनों नोड जो हैं इससे क्या किए गए हैं, ऑप्टेन किए गए हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों नोड का डिसेंडेंट क्या है, ये वाला नोड है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन एंसेस्टर क्या है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, ओके। अगर हम लोग मैक्सिमम कॉमन एंसेस्टर की बात करें, तो इन सारे नोड्स का कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, हमारा रूट नोड होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे नोड जो है इसी रूट नोड से ऑप्टेन किए जा रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। सो कोड वाइज हम लोग तीन प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे, और उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हुए अपना लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मीन्स LCA फाइंड कर लें, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग ट्रैवर्स करेंगे अपने उस नोड तक जिसके बीच में हमको अपना कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है। लेट्स से हम लोग ट्रैवर्स रूट टू N1 एंड N2, और हम लोग जब रूट से N1 और N2 के बीच में जब ट्रैवर्स करेंगे, तो अपना जो पाथ में जितने सारे नोड्स आएंगे उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे किसी वेक्टर या एरे में, एंड स्टोर देयर पाथ कह सकते हैं आप लोग, स्टोर देयर पाथ इन वेक्टर, ओके, हम लोग वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पहला स्टेप क्या। लेट्स सी सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो ट्रैवर्सल में जो नोड आएंगे, अब हम लोग उसमें फाइंड करेंगे कि जो हमारा लास्ट कॉमन एलिमेंट कौन है, ठीक है। लेट से मैं अगर इसकी बात करूं, लेट से मैं इसका डाटा देता हूं 1, 2, 3, एंड लेट से इसका N1 और N2 देता हूं, N1 और N2 कैन बी एनी वैल्यू, ओके। सो अगर इसको हम, सो लेट्स सी अगर हम लोग इसको ट्रैवर्स करते हैं अपने रूट से N1 तक, तो हम लोग इससे यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसका ट्रैवर्सल क्या होगा, मैं वेक्टर लेट्स से P1 में अगर पाथ में स्टोर करूँ, तो हमारा क्या आएगा, 1, 2 एंड N1, ओके, ये हमारा पाथ आएगा। अब जब मैं पाथ 2 में अपना ट्रैवर्सल करूँगा, मतलब रूट नोड से लेके N2 तक, तो इसमें हमारा पाथ क्या आएगा, यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, तो इसका पाथ क्या होगा, 1, 2 एंड देन N2। सी वेक्टर P2, तो P2 में क्या आ रहा था हमारा, 1, 2 एंड N2, यही आ रहा था ना। तो अब हम लोग तीसरा हमारा स्टेप क्या होगा
कि तीसरा स्टेप होगा कि इसमें इन दोनों वेक्टर में, इन दोनों पाथ में जो हमारा सेकंड कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब कि हमारा कॉमन एलिमेंट क्या है, ये दोनों है, तो इसमें भी सेकंड कॉमन एलिमेंट क्या है, ये वाला है ना, ये वाला है मतलब टू। तो हमारा जो कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा, कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, हमारा एंसेस्टर विल बी टू। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया कि हम लोग कैसे कॉमन एंसेस्टर फाइंड करते हैं। ओके सो नाउ गोइंग टू राइट द कोड ऑफ लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, और हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। ओके ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में। ओके और ये जो क्वेश्चंस है LCA का, तो मैंने थ्योरी आपको बता दिया कि कैसे हम लोग अप्रोच बना रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, और अभी हम लोग कोड करेंगे। और ये जो कोड है ना, ये जितना भी आपको ये ड्राइवर कोड सब दिख रहा है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि हैकर रैंक पे ऑलरेडी गिवन है। मैंने उसी का ड्राइवर कोड सारा कॉपी पेस्ट किया है और मैं यहाँ पर उसका फंक्शन लिखूँगा और फंक्शन लिख के मैं इसको रन करूँगा, यूजर से इनपुट लूँगा, ठीक है। हम लोग सारा नंबर यूजर से इनपुट लेंगे और हम लोग चेक करेंगे उसमें दो इनपुट लेकर कि उसका LCA क्या होगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग इसको कोड करते हैं। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा LCA जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, नोड होगा, वो हमारा नोड ही रिटर्न करेगा। ओके सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं एक बेस कंडीशन लूंगा, मैं इसमें आर्गुमेंट क्या लूंगा, एक अपना रूट नोड लूंगा जहाँ से मेरा ट्री स्टार्ट हो रहा है। ओके और फिर उसके बाद मैं आर्गुमेंट लूंगा N1 और N2 जो कि इंटीजर होगा, जो कि किसी नोड का डाटा होगा। ओके और हमको उसी के बीच का बताना है कि उसका एंसेस्टर क्या होगा। सो हम मेरा बेस केस क्या होगा, अगर मैं इसको रिकर्सिवली फंक्शन को लिखूंगा तो उसमें बेस केस होना चाहिए। तो बेस केस क्या होगा, अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा रूट जो है वो नल के बराबर हो जाता है, तो उस केस में क्या करो, रिटर्न कर दो क्या नल। नल क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप नोड है, तो किसी ना किसी नोड को तो रिटर्न करना ही है, और अगर नल के बराबर हो जाएगा तो सिंपली नल ही रिटर्न करेगा। सो रिटर्न नल। ओके ऑल राइट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। ओके सो लेट्स मूव अनदर पार्ट। अगर हमारा किसी भी पॉइंट पे रूट का डाटा अगर N1 या रूट का डाटा N2 के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में भी हमारा रिटर्न कर देंगे क्या रूट को। तो इस केस को भी लिख लेते हैं, इफ़ किसी भी पोजिशन किसी पॉइंट पर रूट का डाटा इज इक्वल टू N1। ओके और हो सकता है, क्यों मैं और कंडीशन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर रूट का डाटा N1 के बराबर हो और किसी पॉइंट पर हो ही ना, मतलब दूसरा N2 वाला हो ही ना। ऐसा तब होगा जब हमारा कॉमन एंसेस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब रूट का डाटा किसके बराबर हो जाए N2, मतलब दोनों में से कोई एक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना रूट, ठीक है, रिटर्न कर देंगे रूट। ऑल राइट ओके अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो ये तो हम लोग अपना बेस कंडीशन लिख लिए, ठीक है कि ऑल राइट अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, रूट के लेफ्ट सबट्री के लिए, फिर रूट के राइट सबट्री के लिए। ऑल राइट तो हम लोग कॉल करते हैं और ये हमारा फंक्शन नोड टाइप है। सो मैं इसको, ये क्या होगा, नोड स्टार लेफ्ट, मैं मान लेता हूँ वेरिएबल लेफ्ट LCA। ओके लेफ्ट LCA, जो मेरा लेफ्ट LCA एक वेरिएबल है जो क्या है, नोड टाइप है। मैं यहाँ पर इसका डाटा टाइप भी दे दिया हूँ कि रिटर्न टाइप क्या है, नोड है, ठीक है। सो जैसे हम लोग इंट लिखते हैं ना, वैसे ही नोड ही है, मतलब वो इंटीजर है और ये क्या है, नोड है। सो लेफ्ट LCA, फिर फंक्शन कॉल करेंगे LCA और इसमें क्या पास करेंगे, रूट का लेफ्ट। ऑल राइट रूट का लेफ्ट, और क्या होगा, किसके लिए होगा, वो N1 और N2 के लिए होगा। ओके ऑल राइट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर वही चीज़ें फंक्शन में कॉल करूंगा अपने रूट के राइट के लिए, समझ में आ रहा है, रूट के राइट सबट्री के लिए। सो लेट्स कॉल इट, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चेंज करता हूँ राइट। ओके अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, ये तो मेरा पूरा ट्रावर्सल हो गया ट्री में। अब मैं चेक करूंगा क्या लेफ्ट LCA और राइट LCA एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो रूट को रिटर्न कर दो। सो मैं यहाँ पर एक चेक लगा दूंगा, इफ लेफ्ट राइट LCA, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो सिंपली क्या करो, रिटर्न कर दो क्या रूट। ऑल राइट रिटर्न रूट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, ये तो दोनों केस हो गया, लेफ्ट LCA और राइट LCA। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट LCA एग्जिस्ट कर रहा होगा और राइट LCA नहीं कर रहा होगा, या राइट LCA कर रहा होगा या लेफ्ट LCA नहीं कर रहा होगा। इसके लिए एक और चेक लगाएंगे, इफ़ लेफ्ट LCA इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि
वो एग्जिस्ट कर लेफ्ट इल्स केस क्या होगा कि रिटर्न कर देगा क्या इल्स केस रिटर्न राइट एलसीए ओके और यहाँ पे होगा सेमी कॉलन ऑलराइट ये हो गया मेरा पूरा कोड अपना कोड लिख चुके हैं ठीक है मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन में क्या किया हूँ एक मैं इंटीजर टी लिया हूँ फिर एक डाटा लिया हूँ और मैं क्या किया हूँ टी को इनपुट लिया हूँ कि मेरे को कितने नंबर लेने मतलब बेसिकली मैं कितना नोड लेना चाहता हूँ अपने ट्री में ठीक है और फिर मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा जब तक टी की वैल्यू जीरो ना हो जाती या टी खत्म नहीं होता फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा उसमें अपने डाटा को ले लूँगा इनपुट ले लूँगा और उसके बाद जो मेरा हम लोग बेसिकली करते क्या थे हम लोग पहले इनसे ट्री बिल्ड करते थे और उसके बाद चेक करते थे बट इसमें क्या है मेरे को यूजर्स इनपुट लेकर ट्री बिल्ड करना है फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर दो आर्गुमेंट लूँगा मतलब दो यूजर्स इनपुट लूँगा V1 एंड V2 जिसमें जिसके बीच में मेरे को बताना है कि क्या LCA होगा ठीक है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा अपना फंक्शन कॉल कर दूँगा ठीक है सो बेसिकली इसको रन करके देखते हैं सो लेट्स रन इट सो मैं टी की वैल्यू लेट से मैं 6 लेता हूँ ओके और टी की मैं वैल्यू 6 लेता हूँ और इसमें मैं जो डाटा लूँगा अपने ट्री बिल्ड करने के लिए लेट से 4, 2, 1, 3, 7 and 6 ओके अब इसमें मैं दो नंबर लूँगा लेट से मैं मान लेता हूँ 1 और 3 या मैं लेता हूँ 3 और 6 ठीक है 3 और 6 तो इसके बीच का जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है 4 है आप इसको वेरीफाई कर सकते हो और बार बार इसको रन करके चेक कर सकते हो ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कोड और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल